तिरंगा अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा ये बात रियलिटी है बच्चों के साथ ऐसा हुआ है इंडियन फ्लैग लेकर के बसेस में लगाया उन्होंने जिस गाड़ियों में जा रहे थे उनमें उन्होंने, उन्होंने इंडियन फ्लैग आगे रखा था तो उन्हें नहीं रोक रहे ऐसा फॉरेन कंट्रीज में क्या है या यूक्रेन में क्या है कि बच्चे एम बी बी एस करने वहाँ क्यों जाते हैं इंडिया आप छोड़ के क्या आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं आप तो हम उन लोगों को क्या बोलें <coughs> उन लोगों की वो सोचते नहीं है एक्चुअली अब यहाँ पे देख लो जनरल कैटेगरी के, के लिए कितनी सीट्स हैं सिक्सटी फाइव परसेंट तो रिजर्वेशन है बाकी जनरल कैटेगरी के, के कितने बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे हमारे जे एंड के में सीट्स देख लो आप कितनी हैं इंडिया में जितनी अभी आप जाकर देख लोगे हमारे पिछड़े इलाकों में वहाँ पर देखो डॉक्टर्स ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ही नहीं है कितना बच्चा कि दस लाख बच्चा एग्ज़ाम देता है और सीट्स कितनी पंद्रह हजार तो क्या करेंगे बाकी बच्चे रशिया और यूक्रेन में किस तरीके के अभी हालात बने हुए हैं आप सब इससे वाकिफ़ हैं पिछले दिनों आपने एक वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर देखा होगा अमन मेरे साथ सीधे यूक्रेन से जुड़े हुए थे अभी स्क्रीन पे आप इन्हें देख रहे हैं ये सेफली जो है वो रियासी पहुंच चुके हैं आज हम सीधे इनसे बात करेंगे अमन पूरे रियासी के लोगों ने आपके लिए दुआएँ की थी और बोला था कि आप सही सलामत घर पहुँचोगे सबसे पहले क्या फीलिंग इस समय आपको मिल रही है फीलिंग बहुत खुश हुआ घर आकर अपने और फैमिलीज़ फैमिली के साथ हूँ इस चीज़ की बहुत खुशी है मेरे पेरेंट्स बहुत टेंस थे इस चीज़ को लेकर अब वो थोड़ा हैप्पी हैं तो इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कैसे आप बोल रहे थे कि सरकार को जल्दी से जल्दी जो है आपको वहाँ से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए कैसे ये प्रोसेस चला आपको वहाँ से निकलवाने का ज़रा बताएंगे और कितने बच्चे आप जो है वापस आए थे एक्चुअली जब ये ट्वेंटी uh, फोर्थ को जो भी हुआ है ना उसके बाद हमने सोचा कि हमें इवेक्एट कर लेंगे जल्दी दो तीन दिन में कर लेंगे बट जब चार पाँच दिन हो गए हमें लगा कि एम्बेसी तो कुछ कर नहीं रही फिर हमें खुद ही लगा कि हमें निकल जाना चाहिए तो यही प्लान कर रहा फिर मेरे फ्रेंड्स थे और बा, बाद में वगजाल रेलवे स्टेशन गए हम वहाँ पर वहाँ हमें और भी इंडियंस मिले तो वैसे ही कर अराउंड वन हंड्रेड हंड्रेड टू फिफ्टी स्टूडेंट्स थे जो हम साथ हैं अब तब वहाँ पर आप बता रहे थे वीडियो में कि शेलिंग वगैरह हो रही है आप बंकर्स में हो वहाँ पे अभी भी वहाँ पे वैसे ही सिचुएशन है अब उससे ज्यादा वर्स हो चुकी है वहाँ पे अब आ, उन्होंने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स हैं फ्लैट्स हैं वहाँ पे भी शेलिंग करना शुरू कर दी तो आप मुझे बताएंगे हम वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की जो अभी वहाँ पे हैं तो वो कह रहे हैं सरकार से गुहार लगा रहे हैं हमें यहाँ से निकलवाया जाए गवर्नमेंट ने भी जो है एडवाइज़रीज लगातार आ रही हैं किस तरीके से आप इस चीज़ को क्योंकि आप वहाँ से होके आए हो जो एडवाइज़रीज़ आ रही हैं कि आप पोलैंड के बॉर्डर से आइए या दूसरे हंगरी के बॉर्डर से आ, आ जाइए तो वहाँ पर एम्बेसी किस तरीके से काम कर रही है एक्चुअली यूक्रेनियन एम्बेसी सिर्फ एडवाइज़री ही नोटिस कर रही है बट बाकी ग्राउंड कुछ भी नहीं कर ग्राउंड वर्क नहीं करना कर नहीं पा रहे कुछ कह नहीं सकते बट अभी भी बच्चे यही कह रहे हैं कि हमें यहाँ से इवेक्यूट करो क्योंकि अब सिचुएशन जो ज़्यादा वर्स हो चुकी है वहाँ पे तो वो उनकी जान को खतरा ऑब्वियसली अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड स्टूडेंट्स जो हैं वो खार्कि रीजन में अभी भी फंसे हुए हैं जी तो ये आपने भी एक चीज़ देखी होगी सब लोग वहाँ पर ये कह रहे हैं यहाँ इंडिया में तो सोशल मीडिया में यही चल रहा है कि तिरंगा अगर आप लेके जा रहे हो तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है ये सच मानते हो आप इसको नहीं ये बात रियलिटी है वहा बच्चों के साथ ऐसा हुआ है मेरे बहुत से फ्रेंड है आ... लेकर गए हैं फ्लैग इंडियन फ्लैग लेकर गए बसेज में लगाया उन्होंने जिस गाड़ियों में जा रहे थे उनमें उन्होंने, उन्होंने इंडियन फ्लैग आगे रखा था तो उन्हें नहीं रोक रहे थे हुँ। हुँ। तो एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन भी काम कर रही है बच्चों को वहाँ से ही कराने की पूरी डिटेल्स दे रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी ने किस तरीके से वहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट किया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्टेक्ट करके जो है कितना ये चीज़ आप मानते थे मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगा डी मैम का उन्होंने बहुत Uh, मेरे से कोऑर्डिनेट करा उन्होंने एक्चुअली मेरे से कॉल पे भी बात करी उन्होंने हर नेसेसरी इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करी सब कुछ uh, म, जितनी हेल्प वो कर सकते थे उन्होंने करी है तो मैं बहुत थैंकफुल उनका आशीष आप इनके भाई हो मैं आपसे यही चीज़ छोटी सी जानना चाहूँगा सबसे पहले जब पता लगा एडवाइजरी आई कि बच्चों को जो है वो स्टूडेंट्स जितने भी वहाँ हैं उनको वापस अपने घर में लाया जाए तो लगा सीधे हम आप हमने आपको देखा था आप डी सी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में चले गए थे वहाँ पर आपने क्या कुछ सबमिट किया कैसे आप मानते हैं और किसका आप शुक्रिया अदा करना चाहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे भाई के साथ पूरा कापरेट किया जब मैं डी मैडम से मिलने गया तो वहाँ पर उन्होंने अपने कंट्रोल रूम में भेजा वहाँ पर जितने मतलब नंबर मुहैया करवाए और मैंने अमन को वो नंबर सेंड कर दिए जिसके कारण अमन उनसे कॉन्टैक्ट से रहा कॉन्टैक्ट में रहा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी और जे के एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने सही सलामत हमारे भाई को घर पहुंचाया उसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जे एंड के गर्मेंट का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी का धन्यवाद करता हूँ अमन एक चीज़ आपसे छोटी जानना चाहूँगा क्योंकि ये चीज़ें हमेशा सुनी होगी फिल्मों में ही देखा होगा कि वॉर हो रही है जंग हो रही है बम धमाके रहे हैं वहाँ पे सच में ऐसा हो रहा है तो क्या इस समय सिचुएशन बनती है और लोग क्या सोचते हैं वहाँ पे वो रियलिटी है वहाँ पे ऐसा, ऐसा सब कुछ हुआ है वहाँ पे हम हम इवन कि जब इन्वेजन स्टार्ट हुई थी मैं और मेरा फ्रेंड दो वह, मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड था हम आराम से सो रहे थे पाँच बजे अचानक से पूरा फ्लैट हिल गया जब वो चीज़ हुई ना तो यही सीन था मैं अपने फ्रेंड के रूम में गया

फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है ऐसा यू, वहाँ यूरोपियन यूनियंस में क्या है या यूक्रेन में क्या है कि बच्चे एम बी बी एस करने वहाँ क्यों जाते हैं इंडिया में छोड़ के क्या आप पर्सनल एक्सपीरियंस बताएं आप तो हम उन लोगों को क्या बोलें <coughs> उन लोगों की आ, वो सोचते नहीं है एक्चुअली अब यहाँ पे देख लो जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स हैं सिक्सटी फाइव परसेंट तो रिजर्वेशन है बाकी जनरल कैटेगरी के कितने बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे हमारे जे एंड के में सीट्स देख लो आप कितनी है अब इंडिया में जितनी अभी आप जाकर देख लोगे हमारे पिछड़े इलाकों में वहां पे देखो डॉक्टर्स ही नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज ही नहीं है कितना बच्चा कि दस लाख बच्चा एग्जाम देता है और सीट्स कितनी है पंद्रह हजार तो क्या करेंगे बाकी बच्चे सब वहाँ पे काफी बच्चे हैं तो जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत मुबारकबाद आपको तो अमन हमारे साथ बातचीत कर रहे थे खुशी का लम्हा ये इनके पूरे परिवार के लिए पूरे रियासी के लिए कि रियासी का बेटा जो है सही सलामत वापस आया आप लोगों ने भी इनके लिए जरूर दुआएं की थी आप लोग देखते रहे न्यूज पोस्ट राहुल कपूर का अमन शर्मा के साथ जय हिंद धन्यवाद